मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि आई एम बॉर्न इन इंडिया. भारत मेरी पहचान है, भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा अभिमान है. आप मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, मेरा तन, मेरा लहू, हर कुछ. मुझसे मेरी पहचान भारतीय होने की नहीं छीन सकते, और वही मेरी आइडेंटिटी है. मैं भारतीय हूं, इस पर बहुत गर्व है, और इससे ऊपर कोई गर्व मुझे चाहिए भी नहीं. मैं भारत माँ का बेटा हूं पहले, उसके बाद एक माँ ने मुझे जन्म दिया है इस भारत स्थल, भारत भूमि पर. उसी के लिए कुछ लिखा था ये कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, जब कुछ हो तो बॉर्डर पर हो. काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए. न खौफ है मौत का और न आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए. दिस इज व्हाट आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लाइक दैट. अगर कोई पूछे कि कौन था वो, जब कोई पूछे मेरे बारे में, तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना. कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना. और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमीन पे और मां तुझे सलाम लिख देना. यही परिचय था, है और रहेगा. आजकल बहुत एक मुद्दा चल रहा है, देशभक्ति. कुछ लोगों ने उसे हिंदुओं से जोड़ दिया, कुछ ने मुसलमानों से जोड़ दिया, कुछ ने सिखों से, कुछ ने ईसाइयों से. एक बात याद रखना, हम पहचान हैं एक ऐसा महाविद्यालय, एक ऐसी यूनिवर्सिटी. इट्स लाइक एन यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक अ कॉलेज. द कंट्री इज लाइक कॉलेज. वी मे हैव डिफरेंट विंग्स, वी मे हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट वी ऑल बिलोंग टू वन कॉलेज, एंड दैट कॉलेज इज भारत, राष्ट्र. आप उसको हुब्बुल वतनी कह लें उर्दू में, अरबी में. उसको आप जननी जन्मभूमिश्च कह लें आप संस्कृत में. आप मादरे वतन कह लें, वतन की इज्जत कह लें, आप कुछ भी कह लें. आज बहुत जरूरी हो गया है उस ट्रेटर, उस गद्दार, या बेहतर लैंग्वेज में उसको गद्दार और चूतिया कहेंगे, उसकी बात करना जो आज की डेट में बड़ा सेलिब्रिटी बन के फिर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्सन जिसने हर फौजी और हर इस भारत माँ के बेटे को हर्ट किया है. आज उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो चुका है. न हिंदुओं से, न मुसलमानों से, इस मुल्क को तकलीफ है गद्दार और बेईमानों से, जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को. पिछले 2-3 महीने इट हैज बीन डिस्टर्बिंग मी अ लॉट. आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ सोल्जर, आई बीइंग अ सिंपल सन ऑफ दिस मदरलैंड, फील हर्ट, डिसहार्टेन्ड. And at the same time, I feel pity for them. बुरा लगता है. कारण यह, लोग कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते. ऐसा है, करने पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन हम सम्मान करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, और उसके आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं. उसके आदेश का पालन करते हुए कुछ गद्दारों को आज भी छोड़ रखा है. वरना ऐसा है, काम ही हड्डियां तोड़ने और जान लेने का हिंदुस्तानी फौज करती है. किसी ने कहा, मैं उन गद्दारों का शायद नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज वो इतना भी डिजर्व नहीं करते कि उनका नाम इस जुबां पर आए. बट एक चीज बोलना बहुत जरूरी है. कुछ लोगों ने यह कहा कि भारतीय सेना रेपिस्ट है. अगर घरों में बैठे हो ना, और अगर तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माएं घर से निकल के जा रही हैं, तो सिर्फ ये हिंदुस्तानी फौज है जिसकी तम पे
तुमने भाई होने का बाप होने का फर्ज नहीं निभाया होगा, मगर दिस द ओनली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस व्हिच मेंटेन द डिग्निटी ऑफ अ सोल्जर एंड मेंटेन्स दैट ब्रदरहुड। आपकी बहनें आपकी माएं अगर सुरक्षित हैं, तो वो भारत की सेनाएं हैं जिनके कारण है। बोलने के पहले सोचा करो। और किस्मत बहुत अच्छी थी कि फौज के सामने नहीं बोला, वरना जो हीरो बना दिया ना इस देश में, फौज तुम जैसों को छोड़ती भी नहीं। मगर ये भारत का संविधान है, दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने बांध रखा है हमारे हाथों को। क्रोध करना मेरी आदत नहीं है, मगर आता है गुस्सा। इसलिए आता है क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि अक्सर मैंने झूठे लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है, जो सच बोलता है और दिल से बोलता है उसको गुस्सा बहुत आता है। और ये गुस्सा इस बात का है कि इस देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है, इसलिए अभी तक बचे हुए हो। फौज को रेपिस्ट बोलते हो? आस्क योर सिस्टर्स एंड योर मदर्स, आस्क योर फैमिली मेंबर्स, इफ देयर आर 10 यंग बॉयज एंड इफ देयर इज अ सिंगल सोल्जर, आस्क अ गर्ल, आस्क अ यंग गर्ल, वेयर वुड शी गो फॉर द हेल्प एंड हुम वुड शी आस्क फॉर द हेल्प, एंड आई इंश्योर दिस, दैट गर्ल वुड गो टू अ सोल्जर एंड आस्क, and she'll say one thing, certainly she'll say and she'll use this word, भैया मेरी मदद कीजिए। क्या है ये जवानी? संभल नहीं रही है तो बताओ। 23 साल में शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद बड़ा बड़ा काम करके चले गए। बहुत गर्मी है, अरे सेना ज्वाइन करो, भारत की फौज आओ, दुश्मनों से लड़ो ना, घर के अंदर क्यों दुश्मनी का माहौल बनाते हो? एक बात कही गई जिसपे बड़ा दर्द हुआ कि अफजल, अरे वो गद्दार टेररिस्ट उसके लिए बोलते हो, उसको हीरो बना दिया तुमने, वरना कोई जानता भी नहीं था। ऐसे बहुत आए गद्दार, बहुतों को फांसी लगाई। उसको कहा गया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आई फील अशेम फॉर दीज गाइज। तेरे कातिल मतलब क्या है? व्हाट डू यू वांट टू से? तेरे कातिल कौन हुए? भारत का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फांसी सुनाई है, हर हक दिया इस बात का कि पहले आपकी पिटीशन दायर हो, आपके ऊपर पूरा मुकदमा चलाया गया। अरे समस्या ये है, हम तो आतंकवादियों को भी क्या बोलूं, भाषा फिसल जाएगी तो बहुतों के परखच्चे उड़ जाएंगे। आप कहते हो कि तेरे कातिल, चलो इट मींस यू आर ब्लेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के अगेंस्ट में कहने की न हमने तुम्हें छूट दी है और न आजादी, आजाद हुए हो तो भी इस फौज के कारण और उन क्रांतिकारियों के कारण जिनने अपना लहू बहाया है इस मिट्टी के लिए, तब बना है भारत का संविधान। यू कैन नॉट इंसल्ट, यू कैन इंसल्ट मी एज एन इंडिविजुअल, यू कैन इंसल्ट वन पर्सन, मतलब जो पीठा, जो न्यायाधीश थे, जो वो लोग थे जिनने फांसी की सजा सुनाई, आप उनको कह रहे हैं कि वो कातिल थे? अरे धिक्कार है आपके ज्ञान पर, आई फील अशेम्ड फॉर इट। पहले आप अपने फैक्ट्स क्लियर करें। अरे जेएनयू के एक लौंडे ने ये कह दिया तो उसको हीरो बना दिया, एंड नो वंडर्स अगली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठेगा तुम्हारी छाती के ऊपर, हीरो बनाने वाले तुम हो। मुझे किसी से पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम रखने की। लेकिन एक बात याद रखना, किसी एक बेवकूफ ने यह कह दिया कि भगत सिंह जैसा है, अबे शर्म करो एंड क्लियर योर फैक्ट्स बिफोर यू कंपेयर दैट गाय विद रेवोल्यूशनरीज। कौन थे वो, किसकी बात कर रहे हो? उस इंसान की हु कैन नॉट डिलीवर टू राइट सेंटेंसेस इन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हो जो भारत के संविधान को गद्दार कह रहा है? आप उनकी बात शहीद आजम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे लोगों से कर रहे हो? कौन थे वो, पता है तुम्हें? तुम एक क्लास के एक छोटे से सब्जेक्ट को पढ़ के ज्ञानी बताते हो और तुम ये कहते हो कि क्रांति लाओगे। क्रांति होती क्या है? क्रांति सबसे पहले शुरू होती है राष्ट्र से, भारत मां या मिट्टी। आई डोंट वॉन्ट टू नेम दिस नेशन भारत माता और एनीथिंग, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग, ये मेरी तो मां है और मेरे जैसे कई पागलों की मां है। याद रखना, बहुत छूट मिल गई है, अपनी आजादी का गलत उपयोग मत करो, वरना अगर छूट देना आता है तो लगाम लगाना भी आता है। बोलने की आजादी है, ठीक है हमने आजादी दी है,
बट वो आजादी किसने दी है? द फ्रीडम हैज बीन गिवन टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सम गाइडलाइंस. द ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री हैज सम गाइडलाइन एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट. आज आप एक बंदे को जिसको जमानत पर छोड़ा गया है उसको हीरो बना दिया. मेरा उस बच्चे से और मेरा उस लड़के से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मगर याद रखना इस देश का हर दुश्मन मेरा दुश्मन है. इस भारत माता इस मिट्टी के ऊपर कोई भी बात करेगा, दैट गाय दैट पर्सन हैज टू फेस मी एंड द सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री. आप कैसे भारतीय सेना को रेपिस्ट कह सकते हो? शर्म करो सेंटेंस के ऊपर. अगर आज भी बच्चियां सुरक्षित हैं, इफ द इंडियन यूथ इफ एवरीबॉडी हूएवर इज डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू इफ दिस फ्रीडम हैज बीन गिवन टू देम इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर फाइटिंग फॉर यू डे एंड नाइट. जब तुम सोने जाते हो तब उनकी ड्यूटी का वक्त शुरू होता है. शर्म खाओ इस बात के लिए. और याद रखना भारत को तोड़ने की कोशिश मत करो, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से. इस मुल्क को तकलीफ थी है कुछ गद्दारों से और कुछ बेईमानों से. एंड आई एम टेलिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरी इंडियन. यार आप क्या बात करते हो, मैं इस देश के यूथ का सबसे बड़ा फैन हूं और मैं कहता हूं मैं इनका फैन हूं, भारतीय युवाओं का, द इंडियन यूथ. आई एम योर बिगेस्ट फैन. और याद रखना अपनी आजादी का गलत उपयोग मत करो, क्योंकि आप जिस ट्रैक पर ले जा रहे हो तुम इसलिए बचे हो आज तक क्योंकि भारत के संविधान ने आज भी जानवरों और कुत्तों को मारने की आजादी नहीं दी है. अगर होती तो कब के निकल चुके होते. और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि तेरा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगी. और अगर नहीं किया, कीप माई वर्ड्स एंड टेक माई वर्ड्स. ये चेहरा याद रखना, हम बोलते कम है घसीटते और मारते ज्यादा है. जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय. याद रखना.